बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे भाई बहन की? कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे। जो कोई मेरा बहन भाई बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। कूलर पड़ा हुआ था बाहर, बारिश का पानी पड़ पड़ के बुरा हाल फुल हुआ हुआ है। मैंने राशिद को कहा इसका पानी निकालें, इसको धो के रखते हैं, ख़राब हुआ हुआ है। 12 वोल्ट का ये कूलर है, जब कभी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक करवा लेंगे। ये तो गर्मियाँ हमारी जा रही हैं इस तरह, इंशाल्लाह ठीक करवा लेंगे। तो मैंने अभी इनको कहा भी पानी आप गिराएं, साफ़ करें, पानी गिराएं, मैं इसको धो के रख देती हूँ। बारिश का कितना पानी है, आपको मैंने कहा था ना इसको संभाल के ऊपर ही रहने दें। आपने कहा नहीं मैं ठीक करवा लूँगा। कितना गंदा हुआ है, जब मर्द अपनी आई पे आ जाए तो किसी की बात नहीं सुनता। कूलर मैंने धो के रख दिया, कूलर बहुत गंदा हुआ था बारिश में। ये राशिद को मैंने कहा भी था ना उतारें, ये फिर भी उतारते अपनी मनाते हैं। तो उस टाइम ठीक करवाया था, मुझे ये था ना कि सप्लाई पे चल जाएगा, लेकिन सप्लाई हमारी ये सिर्फ बैटरी चार्ज वाली है ना, इसलिए मैंने उतारा था कूलर। तो बकाया चलो मौसम थोड़ा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मौसम ठीक है ना। तो लेकिन ये बात आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने केले उठा के तो इसको पेटी के ऊपर रख दिया। बड़ा हिम्मत मारी है, ये तो आपकी सच बात है। ये देखा वो देखें व्यूअर्स कहाँ पे जाके तो माशाल्लाह ऊपर उठा के रख दिया। मैं बाहर गया था कोई सब्जी वगैरह लेने, बाहर प्याज श्याज लेने, तो माशाल्लाह ने उन्हें उठा के वो ऊपर पटक दिया। पटकना पड़ता है ना, आप जो ऊपर पटक दिया, आप जो नहीं मेरे काम आते। हाँ मैं काम नहीं आता तो प्याज मैं किसके लिए लेके आया हूँ, मैं काम नहीं आता प्याज किसके लिए लेके आया हूँ? प्याज आप बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। अच्छा तो आपने आनी नहीं खानी थी, क्या बात है, ऐसे तो ना करें ना। जी बहन भाई हम मजाक हम कर रहे हैं। तो अब आंडी बनाने लगे, आज बनाएंगे अंडा कारी। कारी साहब आज आलू अंडा कारी साहब पकाने लगे भाई, बॉयल हुए हुए अंडे वाला सालन। मेरा तरीका कोई डिफरेंट है, पता नहीं आप लोग इस तरह बनाते हैं या नहीं, फिर भी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अब बहुत मेहरबानी होगी आपकी, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप सबका साथ बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ये आपको पता है हमारे वीडियो में हर यूट्यूबर बोलता है, क्योंकि यूट्यूब में आना कोई आसान बात नहीं होती, बड़ी मुश्किल बात होती है, बहुत मेहनत है। तो करेंगे अभी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 400 सब्सक्राइबर हो गए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। अब आप सब मेहनत यूँ ही हमारे साथ करते रहे, हमारे व्यूज़ भी बढ़ जाए, लाजमी आप सब वीडियो हमारी पूरी देखा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाह होगी। अल्लाह पाक आप सबकी हर मुश्किलें दूर करें, जो हमारी वीडियो देखता है उनको भी अल्लाह मुश्किलें दूर करे, और जो नहीं देखता अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलें दूर करे। ये तो एक साथ का होता है, जिसको एहसास होता है वो गरीब बंदे का साथ देते हैं जो वीडियो देखते हैं। ये गंद का होना चाहिए, ये देखें माशाल्लाह हमारी बेटी सफाई कर रही है, अब माशाल्लाह काम करने के लिए हो गई है, कितनी प्यारी सफाई कर रही है। लगी इसकी मामा सफाई करने लगी थी, कहती है मामा आपने मशीन लगाई हुई है, आप मशीन का करें तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। इतनी माशाल्लाह प्यारी हमारी बेटी है, अपनी मामा का बड़ा एहसास करती है, बहुत ज्यादा कह रही है मामा आपने मशीन भी लगाई है और खाना भी हमारे लिए बनाएंगी, तो मैं सफाई करती हूँ। अलीशा बाबा की तरह मूड पे हो तो सारे काम करवा देगी, मूड पे ना हो तो इसकी मिन्नत करते रहो, लालच भी दो 20 रुपए दूंगी 10 रुपए दूंगी फिर भी नहीं मानती, जो मूड पे हो फ्री में काम हो जाता। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आप सब ठीक है? बाय बाय करो चीटो, बाय बाय करो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हस्बे जरूरत ऑयल डालूंगी, अभी ऑयल गर्म नहीं हो रहा, प्याज इसलिए मैं डाल रही हूँ, बस जल्दी जल्दी हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कली रेत वाली मुझे तो नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, मैं खाता हूँ मुझे तो गर्मियों में पेट खराब हो जाता। अब फिर मान छोटा सा होता था खाए तो इतना बीमार हो गया था, ऐसा भी इमोशन लग गए थे।
इतनी गर्मी में छली नहीं खा। ये छली गर्मियों का सीजन होता है, सर्दियों का? छली का कोई सीजन नहीं, जब मर्जी खा लें। अब 12 महीने हर एक चीज़ मिलती है। नहीं, वो गुत्ती कौन से महीने में? उसकी जब गन्ना कटाई होती है तो उसके बाद होती है ना, तकरीबन आधी सर्दी आधी गर्मी होती है। बराबर मौसम। अब मेरे हाल में होने वाली है क्या चीज? छलियों का रजाई होगी या होने वाली है? छलियाँ घर में मज़ा आता, किसी दिन बनाएंगे। कुकर में, सही कुकर में गला के उसको नींबू चाट मसाला लगा के खाए, बड़ा मज़ा आता है। किस बहन भाई ने इस तरह खाया कमेंट में जरूर बताना। प्याज हमारा सुनहरी हो गया, लहसुन डालो। लहसुन को थोड़ा सा इसमें लाल करेंगे। ये प्याज ऊपर ऊपर से हुआ हुआ है गोल्डन, और बीच में से अभी कच्चा है, बड़ा काटा है ना। ग्राइंडर करूँगी मसाला। ग्राइंडर करने से बहुत प्यारी ग्रेवी लगती है। इस तरह प्याज टमाटर साबुत होते हैं। ये नमक और मिर्चे और कड़ी पत्ते मिला रहा हूँ। अब इसको हमने ग्राइंडर करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू घी में डाल के थोड़े से इसका कलर चिप्स की तरह करेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से आलू हमारे घी में भुन गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कितना प्यारा कलर आएगा। 10 मिनट तक आलुओं को बंद कर देती हूँ, पानी जो है वो सूखेगा। आलुओं को फिर भूनना। जब अंडों को हम फ्राई करेंगे फिर आपको हम दिखाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं किएगा आपने, मुझे ज़रूर फिर बताना है। मैं सही तरीके से शोरबे वाले अंडे अंडाकारी बना रही हूँ। जो आपको पसंद आई तो तब भी आपने मुझे बताना है, सही बने नहीं तरीका पसंद आया तब भी बताना है। और आप लोग भी इसी तरह बनाते हैं तो वो भी मुझे बताना। खाने का कुछ समझ ही नहीं आती हम क्या बनाएं क्या करें। रोज़ाना खाने का रोला होता है। कल भी हमने कुछ भी नहीं बनाया, बच्चों ने कहा मामा हमें पराठे बना दो, चीनी वाले पराठे बना दो। बच्चों ने चीनी वाले पराठे खाए, मैंने तो राशिद ने अचार के साथ रोटी खाई। साथ में दोस्त के साथ मैंने तो राशिद ने अचार के साथ रोटी खाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू हमारे अच्छी तरीके से भून गए। अब इसमें पानी डालना है। पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सालन हमारा बन चुका है माशाल्लाह। घी भी निकल आया है। ये मज़ीद नीचे उतारेंगे तो मुकम्मल घी निकल आएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पीछे जो अंडे पटाखे मारेंगे। अंडे फ्राई करूँगी ना, फसल के फूल के फ्राई करूँगी। अंडों को फ्राई करके बीच में डालेंगे। अंडे हमारे कलर चेंज हो गया। अंडे माशाल्लाह से हमारे कलर चेंज हो गया। बिस्मिल्लाह। इस तरह बहुत मज़े का जायका आता है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, हमारा गरम मसाला। 10 मिनट बाद इसका उतारेंगे, खुशबू हो जाएगी। 10 मिनट गुजर गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा अंडाकारी तैयार हो गया। अंडा आलू का माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को स्किप नहीं अभी करना आपने। आपको खाना खाते टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।